देखिए किस तरीके से अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये हमारे ही देश में बनने वाला है, और जब ये हमारे देश में बनेगा C295, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही खौफ खाएंगे। जी हाँ, इसमें कुछ नहीं है कि C295 के इंडक्शन के बाद हमारी जो टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, टैक्टिकल एयरलिफ्ट का मतलब क्या है ये मैं दर्शकों को बता दूं। युद्ध के दौरान हमारी एयरफोर्स को पैराशूट के द्वारा हमारे कमांडोज को दुश्मन के रियर में यानी दुश्मन के पीछे उतारना पड़ता है, तो जब युद्ध होगा तो C295 में ऐसी फैसिलिटी है कि हमारे पैरा कमांडोज जो हैं इससे छलांग मार के दुश्मन के पीछे लैंड कर जाएंगे और दुश्मन के ऊपर पीछे से हमला कर पाएंगे। तो भारतीय एयरफोर्स जो है दुनिया की उन गुनी चुनी एयरफोर्सेस में से एक होगी जो कि युद्ध के दौरान अपने पैरा कमांडर्स को इस तरह से लूट। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ट्रायल हमने कर लिया है जो हमारी इंडियन आर्मी की जो गन्स हैं उनको स्पेशल पैलेट बनाकर C295 की मदद से एडवांस फॉरवर्ड लोकेशन में उतार सकते हैं। आपके पास आएंगे, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, अगर हम आसान शब्दों में समझें तो C295 जो एयरक्राफ्ट है जो अब भारत में बनने जा रहा है, अगर इसकी खासियत समझें तो कितना अहम ये भारत के लिए रहने वाला है, क्योंकि देखिए अब एक नए युग की शुरुआत अगर हम देखें तो एविएशन सेक्टर में भारत की होने जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अभी अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने भी बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, खासकर मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो कि AN-12 और अभी AN-32 इनको रिप्लेस करेगी, और एवरो जो जहाज थे वो भी इसी में आते हैं, ये एवरो ये सब पुराने हो चुके थे। इसके होने से जो हमारी जो मनु जो 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 फ्लेक्सिबिलिटी है आर्मी एयरफोर्स कोऑपरेशन की लड़ाई के दौरान वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। ये जो जहाज है ये ना ही टैक्टिकल एरिया यानी कि जहां लड़ाई हो रही है वहां पैराट्रूपर्स को उतार सकता है, लो लेवल एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी है इसके अंदर जिससे वो कि आर्टिलरी के इक्विपमेंट को गन्स को वो भी ऑफलोड कर सकता है। और दूसरी बात है हवाई पट्टियों के ऊपर जो हाइट पे बनी हुई है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये, जिससे भारतीय वायुसेना और मजबूत होगी और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना और तैयारी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद आप दोनों लोगों का सर इस तमाम जानकारी के लिए और समय देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां मामला सामने आया था मोहित पांडे की मौत का, और उस परिवार से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पुलिस हिरासत में मोहित की मौत हुई थी, परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को उनके भाई को पुलिस उठाकर लेकर गई थी और वहीं पर उसको पीटा गया था, इतना पीटा गया था कि उसकी मौत हो गई थी। ये परिवार आपको दिखा रहे हैं, मोहित की पत्नी, उनके तीनों बच्चे, उनकी माँ, परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं। मोहित के एक और भाई हैं, उनको भी पुलिस अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन उनका यह कहना था कि उनको तो छोड़ दिया गया था लेकिन मोहित को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। मोहित के दूसरे भाई शोभा राम, जिन्होंने पूरी जानकारी आकर लोगों को दी और बताया कि मेरे सामने ही, उनका यह कहना था कि मेरे सामने ही मोहित को बुरी तरह से पीटा गया था, वो पानी के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन उनको पानी तक नहीं दिया गया था। और जब मामला और ज्यादा सामने आया, खुलकर सामने आया, तो जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई। और अजय दुबे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने जो दोषी पुलिस है अधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बिल्कुल, देखिए दो दिन से लखनऊ की सड़कों पर तमाशा इस पूरे घटना के कारण हो रहा था। जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में ये पूरा घटनाक्रम घटा है, BKT के जो विधायक है शुक्ला, उन्होंने पहले आगे बढ़कर इस पूरे मामले को परिजनों से बात करके शांत कराया, परिजनों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे। आज मुख्यमंत्री से परिजन मिले हैं और उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी और उनके चाचा,
ये तमाम लोग मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जो घटनाक्रम उनके संग घटा है, जो जानकारी उनके पास है, उन्होंने मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही, जो लीगल टर्म जो लीगल कार्रवाई होगी वो भी बताया, और 10 लाख रुपए का जो शुरुआती आश्वासन जो मदद है उसको अभी आवंटित कराने की बात कही। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पिछले 15 दिन के अंदर दूसरी पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला सामने आया है, तमाम सवाल पुलिस की फंक्शनिंग को लेकर भी खड़े हो गए। बिल्कुल है, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है अजय, ये पहली बार नहीं है। अगर हम 15 दिनों की ही बात करें तो 15 दिनों में ऐसी दूसरी घटना है जब पुलिस कस्टडी में किसी की जान चली जाती है। ऐसे में सीएम योगी ने परिवार वाले को क्या आश्वासन दिया है, जो आश्वासन दिया है क्या उससे परिवार वाले संतुष्ट नजर आए? देखिए परिजन कल दिन से ही पोस्टमार्टम के बाद से ही कुछ शांत दिखाई दी, क्योंकि परसों रात में तो बड़ा जाम लखनऊ शहर में इनके प्रोटेस्ट के चलते चला था, और आज मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन जो मुख्यमंत्री ने दिया है, कार्रवाई FIR जो अधिकारी जो इससे जुड़ा हुआ अधिकारी है उसको पहले ही थाने से हटाया जा चुका है, और अब जब मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद जो परिजन है वो शांत है, परिजन आश्वस्त है कि जो उनकी मांगे है, जो न्याय का उनका पक्ष है वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद परिजनों में न्याय को लेकर संतुष्टि दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अखनूर की बात करते हैं जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के वाहन को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि सेना की ही गाड़ी को पहले भी आतंकियों ने निशाना बनाया था गुलमर्ग में, और एक बार फिर से अखनूर से खबर सामने आई जहां पर सेना की गाड़ियों पर हमला किया आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की। 3 आतंकियों के होने की खबर भी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको निस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान मुस्तैद है, और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीर, जब अखनूर में सेना की गाड़ियों पर हमला किया गया, आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की, और ये फायरिंग के निशान देखिए मार्क्स के जरिए, नंबरिंग के जरिए आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में कि सेना की जो एम्बुलेंस है उस पर फायरिंग की गई, और एक नहीं कई फायर वहां पर किए गए। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए मिलिट्री एम्बुलेंस पर हमला किया गया, दूसरी तस्वीर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई, और मार्क्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आतंकी अब सोच समझ के देखिए सेना के वाहन को ही निशाना बना रहे हैं, यानी कि बौखलाए हुए हैं आतंकी और अब सेना को निशाना बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ, आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है।